स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में व्हाइट कलर जूम स्कूटी का डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। इसका प्राइस, फीचर्स कंप्लीट जानकारी देंगे और इस स्कूटी में क्या क्या देखने को मिलता है, फुल डिटेल्स वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज़ मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जूम स्कूटी में आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब में देखने को मिलता है। एच शेप में एलईडी लाइट देखने को मिल जाता है, हेडलाइट एच शेप में, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, जिसकी रोशनी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेटर है। बाकी दोस्तों, कलर ऑप्शन इसमें और भी आपको देखने को मिल जाते हैं। रेफरेंस इसका वाइट कलर, जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, रेड मतलब रेड कलर का जूम कंपनी ने लिखा है स्कूटी में। अभी आप देख पा रहे हैं बैकलाइट वगैरह आपको एलईडी में देखने को मिल जाता है इस स्कूटी में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 5 लीटर के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इस स्कूटी के स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर फुली डिजिटल देखने को मिलता है इसमें। कि आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल को आप कनेक्ट कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं दोस्तों आप मीटर कंसोल को फ़ोन से। बाकी दोस्तों आगे बात करते हैं, इस स्कूटी में आपको 110.9 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक। पावर आपको 8 PS का देखने को मिल जाता है एंड 8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। पावर भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है जूम स्कूटी में। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये स्कूटी लॉन्च होने के बाद कड़ी टक्कर दिया है कहीं ना कहीं दोस्तों होंडा की डियो को, और हीरो जूम स्कूटी काफ़ी अच्छा सेल है। और उस तरफ भी आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो लगी हुई है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो मैट रेड कलर में है, वो भी दोस्तों जूम स्कूटी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 5-6 कलर ऑप्शन के साथ ये स्कूटी देखने को मिलता है। ब्लू मिल जाता है, व्हाइट मिल जाता है, मैट रेड मिल जाता है, ग्रे मिल जाता है और पीरियल व्हाइट, यानी दोस्तों टोटल 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों माइलेज के बारे में बात कर ले, 45 का माइलेज है प्रति 1 लीटर। ये स्कूटी एवरेज निकाल लेती है, 45 तक का माइलेज आराम से निकाल लेती है। बाकी दोस्तों बात करेंगे इसके ऑन रोड शोरूम प्राइस के बारे में, तो ऑन रोड शोरूम प्राइस अप्रॉक्स दोस्तों हमारे यहाँ झारखंड में इसका 1,05,000 के आसपास पास में, यानी 1,05,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस अप्रॉक्स इसी के आसपास में हमें ये हमारे यहाँ झारखंड में देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों हर एक स्टेट का अलग अलग प्राइस है, जो कि मैं हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ ताकि कन्फर्म हो जाए कस्टमर, ताकि फिर ये ना कहें कि भाई वीडियो में देखा था कि भाई इतना प्राइस है, और शोरूम में जाके झगड़ा ना करें कि भाई इतना प्राइस आप लोग क्यों ले रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में देख लेते हैं कुछ और शोरूम में प्राइस आपको देखने को मिलता है कुछ और, तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है। तो वीडियो में बताना ये था ज़रूरी। बाकी दोस्तों इस स्कूटी को कितने लोग पसंद करते हैं और इस स्कूटी को कितना लोग लेना चाहते हैं, प्लीज़ यार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जूम स्कूटी का डिटेल वगैरह रिव्यू आपको, आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करना ना भूलें। बाकी दोस्तों यदि आप इस स्कूटी को फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो 15-20 हज़ार आप जमा करके इस स्कूटी को फाइनेंस करवा सकते हैं। मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।